अगर आप मैदों से बनी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैदों की तासीर कैसी होती, ताकि आप अपने शरीर के हिसाब से मैदा का सेवन कर सकें जिससे आपके सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो चलिए आपको बताते हैं मैदा की तासीर कैसी होती। मैदा की तासीर जो होती है वो गर्म होती, इसलिए ज़्यादा मैदों से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे भी मैदा से बनी चीज़ों का सेवन करना हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अगर आप मैदों से बनी चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। मैदों से बनी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे हड्डियों के लिए नुकसानदेह होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप फिट और हेल्दी रहें तो आज से ही मैदों से बनी चीज़ों का सेवन करना छोड़ दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको तासीर से जुड़ी जानकारी, हेल्थ से रिलेटेड जानकारी, किस चीज़ में कौन सा विटामिन और पोषक तत्व पाया जाता है उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आप खुश रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।